नमस्कार, आज बात एक ऐसे फंड की जो मधुमक्खी के छत्ते के समान है। जो लोग इसकी निगरानी में लगे हैं, अगर कोई इस फंड को छूने की कोशिश करे तो वो लोग अजीब सा व्यवहार करते हैं। इस फंड का नाम है पीएम केयर फंड, जो जनता के डर, राष्ट्रभक्ति की चादर और अपने आप को देशभक्त साबित करने के मिश्रण से बना है। साल 2020, 27 मार्च, देश पूरा लॉकडाउन में कैद हो चुका था। सरकार ने पीएम केयर फंड बनाने की घोषणा की। कौन ऑपरेट करेगा, किसके अधीन होगा, कोई जानकारी नहीं। यानी इसमें जमा करने का विकल्प था और फंड निकालने के लिए कोई खिड़की नहीं बनी। विभिन्न आरटीआई से जो जानकारी मिली है उससे पता चला है कि पहले 3 महीने में पीएम केयर फंड में 10,600 करोड़ रुपए जमा हुए। ये वह दौर था जब पूरे देश ने प्रवासी मजदूरों को नंगे पैर सड़क पे चलते देखा, ट्रेन में दम तोड़ते देखा और स्टेशन पर जिंदगी की आखिरी चादर ओढ़े महिला को देखा। 13 मई 2020 को सरकार ने पीएम केयर फंड से 3100 करोड़ रुपए जारी किए, जिसमें से 2000 करोड़ रुपए वेंटिलेटर बनाने के लिए, 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए और 100 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन निर्माण के लिए जारी हुए। यहां आपको 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी रकम लगेगी, लेकिन अगर प्रवासी मजदूरों की संख्या से तुलना करें तो शायद ही एक मजदूर को एक टाइम का खाना नसीब हो पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज जो हालात हम अस्पताल और शमशान की देख रहे हैं, उसकी नींव करीब 1 साल पहले पड़ चुकी थी। आइए 3100 करोड़ रुपए का हिसाब करते हैं जो पीएम केयर फंड से जारी हुए। कुल रकम को याद रखिएगा, 10,600 करोड़ रुपए में से 3100 करोड़ रुपए। मार्च 2020 को नोएडा की एक कंपनी को 166 करोड़ रुपए में 10,000 वेंटिलेटर बनाने का ठेका दिया, 20 करोड़ रुपए एडवांस दिए गए, जबकि कंपनी के पास अनुभव ठीक उसी तरह जैसे राफेल सौदे में अनिल अंबानी की कंपनी को रक्षा विमान बनाने का अनुभव था। उसके बाद कंपनी द्वारा बनाए गए वेंटिलेटर 2 बार क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए। इसके अलावा गुजरात और आंध्र प्रदेश की 2 कंपनियों को भी 621 करोड़ रुपए में 18,500 वेंटिलेटर बनाने का टेंडर मिला। अनुभव के मामले में पहले की तरह जैसे अनिल अंबानी साहब की कंपनी। अगस्त 2020 में एक आरटीआई के जवाब में हेल्थ मिनिस्ट्री ने कहा कि इन दोनों कंपनियों के वेंटिलेटर क्लिनिकल ट्रायल में फेल हो गए। इन तीनों कंपनियों और एक सरकारी कंपनियों के बीच ऐसा पेच फंसा कि एक भी वेंटिलेटर सप्लाई नहीं हो पाया। अब बात प्रवासी मजदूरों के लिए जारी किए गए फंड की, जिसमें श्रमिक ट्रेन का किराया भी शामिल था और राज्यों को प्रवासी मजदूरों को आइसोलेशन में रखने के लिए फंड दिए जाने की बात कही गई थी। कुल रकम 1000 करोड़ रुपए प्रवासी मजदूरों के लिए सहायता के लिए जारी करने की बात की गई। चीफ लेबर कमिश्नर ने एक आरटीआई के जवाब में कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि इस तरह की कोई सहायता राशि जारी हुई है। 4 मई 2020 को रेल मंत्रालय ने कहा कि श्रमिक स्पेशल ट्रेन में 85% किराए में छूट मिलेगी, बाकी 15% राज्यों को वहन करना होगा। इसके साथ एक बहुत बड़ी बात, रेल मंत्रालय ने भी 151 करोड़ रुपए पीएम केयर्स फंड में जमा की। आज जो हालात देश के सामने हैं, उसकी नींव 1 साल पहले इसलिए पड़ गई क्योंकि उस समय देश का मीडिया खामोश था। अगर देश का मीडिया सरकार से पूछता कि पीएम केयर्स फंड में जमा 10,600 करोड़ रुपए कहाँ गए, श्रमिकों के लिए आवंटित 1000 करोड़ रुपए कहाँ गए, 3000 करोड़ रुपए के करीब जो कंपनीज को वेंटिलेटर बनाने का टेंडर मिला, उसमें से कितने वेंटिलेटर काम में आए, कितने आज काम कर रहे हैं और उनको टेंडर किस आधार पर मिला, क्यों पीएम केयर फंड आरटीआई के दायरे में नहीं आता और ना ही सीएजी उसको ऑडिट कर सकता। देश की करीब 98 सार्वजनिक इकाइयों से कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सीएसआर के जरिए तकरीबन 2500 करोड़ रुपए पीएम केयर फंड के नाम पर वसूले गए, जिसमें से सबसे ज्यादा ओएनजीसी ने 300 करोड़ रुपए जमा करवाए। काश यह सवाल उस समय देश का मीडिया पूछ लेता तो शायद आज अस्पताल और शमशान का यह हाल नहीं होता। इसलिए सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।